कि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप भी एक्सचेंज रिवार्ड से अपने गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये गलती मत कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ कैसे मेरा लगभग 50 रुपीज़ एक्सचेंज रिवार्ड ऐप ने खा गया है। तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ, एक्सचेंज रिवार्ड को ओपन करता हूँ। इसको ओपन करवा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 रुपीज़ अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको चार्ज कट के 21 रुपीज़ आपके पेटीएम वॉलेट में चले जाएंगे, जहाँ भी भेजना है। 18% का GST काट, ठीक है, मैंने GST भी दिया, आप लोग भी शायद दिए होंगे या सोच रहे हैं। तो मैंने GST भी दिया। और देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में मैं आकर बता रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। तो दोस्तों इसका डेट भी आप लोग देख सकते हैं, 13/1/2021, 4:05। लेकिन अभी तक ये मेरे खाते में नहीं आया है। तो दोस्तों अगर आपका भी आ गया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन मेरा अभी तक नहीं आया है। और आपका भी फंसा हुआ है तो हम लीगल एक्शन इस पर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको और भी प्रूफ देना चाहते हैं, सो चलते हैं प्ले स्टोर में। तो दोस्तों प्ले स्टोर अभी हम खोल लेते हैं। प्ले स्टोर खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्सचेंज रिवार्ड ऐप को हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे रेटिंग देखिए, पढ़िए खुद दोस्तों, इन्होंने 5,000 का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड ट्रांसफ़र किया है, 2900 इनका चार्ज कट गया और 10 से 15 दे हो गया, अभी तक नहीं आया। इनका भी देखिए 25/4/2021, काफ़ी लोगों का नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कभी भी इस ऐप में देख सकते हैं, पैसा मत फंसाइएगा और इस ऐप में एक्सचेंज कभी भी मत कीजिए। तो इस पर आपका भी रुपया फटा हुआ है तो कमेंट कीजिए, इस पर लीगल एक्शन लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।